नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पवन खेड़ा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है और इस सारे मामले को लेकर भाजपा का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी के इशारों पर की जा रही है। दरअसल पवन खेड़ा PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने 17 फरवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का नाम गलत बोल दिया। एक बार गलत बोलने पर उन्होंने सुधार किया, लेकिन इसके बाद फिर से गलत नाम लेकर तंज किया। खेड़ा उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए JPCC से संबंधित मांग को लेकर जवाब दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी JPCC का गठन कर सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है या नरेंद्र दामोदर दास है, नाम भले ही दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास का करते हैं। अब इसी बात से गुस्साए BJP के तमाम कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर के आवास पहुंचे और मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। चैम्बूर फेस्टिवल में परफॉर्म करते समय बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के साथ हुई धक्का मुक्की का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस धक्का मुक्की के मामले में शिवसेना विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे को आरोपी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सोनू निगम को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं सारे मामले को लेकर मुंबई स्पेशल CP का कहना है कि विधायक खुद नहीं थे बल्कि उनका बेटा या भतीजा स्टेज पर सेल्फी लेने गया तो सिक्योरिटी ने उसे रोका, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ और उन्हीं में से किसी एक शख्स ने सोनू निगम को धक्का दे दिया। लेकिन पुलिस टीम जब सोनू से मिली तो उस वक्त सोनू ने शिकायत नहीं दी। वहीं अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक सोनू निगम ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे स्वप्निल फटरपेकर के खिलाफ पुलिस को बयान दिया है और FIR दर्ज करवाई है। NIA एक बार फिर टेरर फंडिंग के मामलों को लेकर एक्शन में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA की टीम ने इस बार 70 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य शामिल हैं। बता दें छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर की गई है। दरअसल इससे पहले की गई कार्रवाई में NIA ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए सभी गैंगस्टरों से पूछताछ की थी। इसके बाद पाकिस्तान ISI और गैंगस्टर गठजोड़ के बारे में कई जानकारी NIA के हाथ लगी और अब इसी के आधार पर एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापा मारा है। NIA सूत्रों के मुताबिक 6 गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई और गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे। NIA की टीम पूछताछ किए गए गैंगस्टरों के घरों और उनके सहयोगियों से जुड़े अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें छापेमारी सभी जगहों पर एक साथ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टरों के दूसरे देशों में संपर्क होने की बात सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई और बवाना गैंग के नाम पर भारत में आतंक के लिए काफी फंडिंग है, जिसके चलते NIA द्वारा ये रेड की गई है। NIA सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी अब तक 3 बार छापेमारी कर चुकी है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की गई है। यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी OPC की घोषणा की है। लेकिन इस बीच खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इस पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने वाले राज्यों को झटका लगेगा। दरअसल वित्त मंत्री ने सोमवार को नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना के लिए देने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से यह फैसला लेता है कि NPC का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा। सीतारमण ने सोमवार को एक होटल में की गई बजट पर चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इकट्ठा किया गया पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, सही समय आने पर ही है पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर FM ने कहा
कि जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो ऐसी योजनाएं चलाते हैं। अपने बजट में उनके लिए प्रावधान करें। यदि आपके राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, आप बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए ऋण ले रहे हैं, तब यह सही नहीं है। यह पैसा कौन देगा? ऐसी योजनाएं लाने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों से धन जुटाना चाहिए और करों से कमाई करनी चाहिए। मुफ्त की योजनाओं के लिए राज्य अपना बोझ किसी और पर डाल रहे हैं, यह गलत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे वह फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल इंडिया टीवी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद पर खतरे की आशंका जताते हुए कहा कि उन्हें मारने और खत्म करने के लिए विदेशी प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी और हिंदुत्व खतरे में है। इसके अलावा हिंदुओं के पोस्टर बॉय बनने के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान और हिंदू जाग रहा है, सनातन की क्रांति आ रही है जो व्यापक होकर रहेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमें अपने ईष्ट पर भरोसा है, सन्यासी बाबा लीला करेंगे। वहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री से यह सवाल किया गया कि आप पहले रामकथा करते थे, अब हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करने लगे, इस पर उन्होंने कहा कि हमारे मन में पहले से ही हिंदू राष्ट्र की बात थी, आप लोगों ने हमें इस कॉन्सेप्ट पर स्थिर रखा है, हमारा सनातन हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व भाव यह हमारे अंदर नहीं होगा तो किस में होगा। प्रत्येक हिंदू में यह जुनून होना चाहिए, भगवान करे आप में भी यह जुनून हो, टीवी वालों में भी जुनून हो। अगर आप लोगों में यह जुनून नहीं होगा तो आप लोगों के हिंदू होने का मतलब क्या है। तुर्की और सीरिया में अब से 15 दिन पहले आए भूकंप के बाद एक बार फिर सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। फिलहाल जानमाल के नुकसान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस भूकंप ने एक बार फिर तुर्की में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। वहीं भूकंप के केंद्र का अभी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कल सोमवार को ही दूसरी बार भूकंप प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्य का दौरा कर तुर्की में मलबे से लोगों को जीवित निकाले जाने के अभियान को समाप्त करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि अब भूकंप के करीब 15 दिन हो चुके हैं, ऐसे में अब मलबे में किसी के भी जीवित रहने की संभावनाएं नहीं रह गई हैं, इसलिए राहत और बचाव कार्य को जल्द समाप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 6 फरवरी को तुर्की में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें तुर्की और सीरिया में अब तक 45,000 से अधिक लोगों के मौत होने की पुष्टि की जा चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल में 20 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने कार्रवाई करते हुए जल बोर्ड के संयुक्त निदेशक नरेश सिंह से पूछताछ की थी। इसके अलावा मामले में ACB ने राजेंद्रन नायर, गोपी कुमार केडिया और अभिलाष वासु कुट्टन पिल्लई को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ACB चीफ मधुर वर्मा ने कुछ दिनों पहले बताया था कि पानी के बिल का भुगतान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी ऑफिसों में कंपनियों को बिल वसूलने का ठेका दिया गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन बैंक को अलग अलग जल बोर्ड के कार्यालयों में ऑटोमेटिक बिल भुगतान करने के लिए मशीन लगाने का काम सौंपा था, जिसके जरिए उपभोक्ता कैश और चेक देकर बिल भुगतान करते थे। इसके बाद कॉरपोरेशन बैंक ने आगे यह कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश पे IT सॉल्यूशन को दे दिया था, जिसने आगे उसे RME पेमेंट्स कंपनी को दे दिया। नियम कानून को ताक पर रखकर हर साल बिल वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं कंपनियों को दिया जाता रहा। इन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन RME पेमेंट्स ने अवैध तरीके से मार्च 2020 तक बिल वसूलने का काम किया। जल बोर्ड की शुरुआती जाँच में फंड में करोड़ों की हेराफेरी का पता चलने पर ACB में शिकायत दर्ज की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।